तो आइए दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है दोस्तों भारतीय संविधान व आपराधिक कानून के अंतर्गत जो महिलाओं को सुरक्षा दी गई है उसके बारे में दोस्तों आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे CGPSC पेपर 7 में है दोस्तों। ठीक है, कल्याणकारी भाग 1 में कल्याणकारी जो है उसका टॉपिक है दोस्तों। ठीक, जिसमें भारतीय संविधान व आपराधिक कानून के अंतर्गत महिलाओं को दी गई सुरक्षा CRPC दोस्तों। ठीक है, CRPC। ठीक, CRPC का फुल फॉर्म कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान में दो प्रकार के महिलाओं को संरक्षण दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले संरक्षण भारतीय संविधान के द्वारा संरक्षण दिए गए हैं दोस्तों, और दूसरा जो है वो कानूनी द्वारा संरक्षण दी गई है। भारतीय संविधान के द्वारा और दूसरा कानून के द्वारा संरक्षण दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के द्वारा महिला संरक्षण, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले भारत में, आप लोग ये हेडिंग डाल लीजिए फिर समझिए, या तो आप लोग नोट करते जाइए दोस्तों। ठीक, भारतीय समाज में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व सम्मानीय स्थान है। वेदों ने महिलाओं को माँ, जो कि एक रचनाकार है, ठीक दोस्तों, और जो जीवन देती है, वह जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है, के रूप में महिमा मंडित किया है। आज भारत में सुरक्षा और बचाव का सवाल है। महिलाएं सबसे कमजोर वर्ग के रूप में गिनी जा रही है। बलात्कार, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, फिर भ्रूण हत्या, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के श्रेणी में आता है। संविधान केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न अधिनियमों के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों के तहत महिलाओं को उनकी कमजोर स्थिति को देखते हुए विशेष सुरक्षा प्रदान किए गए हैं दोस्तों। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल अधिकार, मूल कर्तव्य व निर्देशिक सिद्धांतों में लैंगिक समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित किया है। संविधान न केवल महिलाओं की समानता प्रदान करती है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति के उद्देश्य से कानूनों, विकास नीति, योजना और कर्तव्यों का सशक्त बनाता है दोस्तों। ठीक, तो ये हो गया संरक्षण। अब देखते हैं महिलाओं के लिए उपलब्ध संवैधानिक विशेषाधिकार कौन कौन सा है दोस्तों। इसके अंदर संवैधानिक विशेषाधिकार के बारे में देखते हैं, जो कि हम आर्टिकल अनुच्छेद के द्वारा देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला अनुच्छेद 14, फिर अनुच्छेद दूसरा
अनुच्छेद 15 AC 16 ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 14 महिलाओं के लिए कानून के समझ समानता। अनुच्छेद 14 में कहा गया है महिलाओं के लिए कानून के समझ समानता। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है दोस्तों कि राज्य केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव महिलाओं से नहीं करेगी। अनुच्छेद 15A में और 15C में ये कहा गया है कि राज्य महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाएंगे। राज्य में महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाएंगे। और अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत किसी कार्यालय में रोजगार व नियुक्ति का समान अवसर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, रोजगार राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में रोजगार व नियुक्ति के समान अवसर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक, अब हम देखते हैं आर्टिकल 39D अनुच्छेद 14, 15A, 15C, 16 तो बता दिया दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 39 का डी। राज्य द्वारा महिलाओं व पुरुष की जीविका के साधन की समान वितरण की नीति बनाई गई है। अनुच्छेद 39 का सबके लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का में भी सबके लिए समान वेतन है, लेकिन डी में पुरुष और महिलाओं की जीविका के साधन की समान वितरण की नीति बनाई गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 42A में दोस्तों। ठीक, अनुच्छेद 42A में यह कहा गया है राज्य कार्य व महत्वपूर्ण सुविधा के लिए न्यायपूर्ण व मानवीय वातावरण का प्रावधान करेगा दोस्तों। अब देखते हैं अनुच्छेद 46 में, जिसमें कहा गया है राज्य समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की उचित देखभाल के साथ बढ़ावा दे व उन्हें सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करे। ठीक, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 47 कहता है राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर को व उनके जीवन स्तर को बढ़ाए। राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाए। तो ये हो गया आर्टिकल 47। और आर्टिकल 50E में कहा गया है कि भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारा एकता को बढ़ावा दे व महिला को सम्मान दे और उसे ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं को हटवाना है दोस्तों। ठीक, यह कहा गया है अनुच्छेद 50A, 51AE में। अब देखते हैं अनुच्छेद 243D4 में क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए भी 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों हमारा भारत संविधान के द्वारा महिलाओं संरक्षण के अधिनियम के लिए संवैधानिक विशेषाधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14, 15A, 15C, 16 अनुच्छेद 39D, 42A, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 51AE और अनुच्छेद 243D4 के तहत हमें महिलाओं की संरक्षण का प्रावधान दिया गया है दोस्तों। अब हम इसके कानूनी संरक्षण के बारे में देखते हैं दोस्तों। ठीक, आप लोग, उम्मीद है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों।
ठीक। अब हम देखते हैं महिलाओं के उपलब्ध कानून संरक्षण। कानूनी संरक्षण भारत में संविधान व अन्य कानूनी द्वारा महिलाओं के लिए समानता, स्वतंत्रता, अवसर व सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इन सब के बावजूद पुरुष प्रधान समाज होने के कारण समाज में बढ़ते अपराध, गरीबी, अशिक्षा, आजीविका कानूनी है। नहीं सॉरी दोस्तों, समाज के बढ़ते अपराध, गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानिता कानून के प्रावधान का गलत उपयोग, बढ़ते उपभोक्तावाद व घटते मूल्य के कारण महिलाओं पर हिंसा लगातार हो रही है। पिछले दशक में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में बढ़ोतरी हुई है व अपराध को पंजीकृत ने भी वृद्धि हुई है, लेकिन साथ ही महिलाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता में भी वृद्धि हुई है दोस्तों। ठीक। भारत में 3 प्रमुख अधिनियम कानूनी परीक्षणों में संचालित करते हैं। भारत में 3 प्रमुख अधिनियम भारत में 3 प्रमुख अधिनियम कानूनी परीक्षणों को संचालित करते हैं। सबसे पहला भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, ठीक दोस्तों। अब दूसरा है आपराधिक प्रक्रियात्मक अधिनियम और तीसरा आपका है दोस्तों भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम। ठीक। पहला है भारतीय दंड संहिता, दूसरा आपराधिक प्रक्रियात्मक अधिनियम और तीसरा भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम महिलाओं। ठीक दोस्तों, प्रमुख 3 प्रमुख अधिनियम कानूनी परीक्षणों को संचालित करते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिए, ये तीनों याद रखिएगा दोस्तों। अब आप हेडिंग डालिए महिलाओं के विरुद्ध अपराध 2 वर्गों में वर्गीकृत किए जाते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध को 2 वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटे जाते हैं। सबसे पहला भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध। पहला भारतीय
आने वाला अपराध। ठीक दोस्तों, अब सेकेंड आपका विशेष नियमों के अंतर्गत, विशेष नियमों के अंतर्गत पहचान किए जाने वाले अपराध। पहचान की ठीक दोस्तों, महिला के विरुद्ध अपराध को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध, ठीक, अब दूसरा है विशेष नियमों के अंतर्गत पहचान किए जाने वाले अपराध। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहला हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाला अपराध। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाला अपराध, ठीक दोस्तों, तो इसमें आप लोग समझिएगा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध, इसमें आपका बलात्कार है, जो धारा 376 बलात्कार, धारा 376। और दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध जिसमें आपका बलात्कार, अपहरण व विभिन्न कारण से भगाना महिलाओं को या तो लड़कियों को दोस्तों, दहेज हत्या, दहेज मृत्यु व उसके प्रयास जो कि धारा 302 से 304 बी तक है, मानसिक व शारीरिक यातनाएं 497 धारा में है दोस्तों, छेड़छाड़ धारा 354 के तहत, यौन शोषण धारा 509 और लड़कियों की तस्करी धारा 366 बी में दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, एक एक करके मैं इस सब के बारे में बता रहा हूँ। बलात्कार जो कि धारा 376 के अंतर्गत, बलात्कार महिलाओं के साथ बार बार होने वाली घटनाओं में से एक है, जो सभी जाति वर्ग व धर्म के समान रूप से, धर्म के समान रूप से व्यक्त है दोस्तों। भारतीय दंड संहिता का धारा 375 के अनुसार बलात्कार तब होता है जब एक पुरुष स्त्री के इच्छा के बिना उसके साथ संभोग करता है। यह दबाव, धोखे, मानसिक विक्षिप्तता की स्थितियों या मद्यपान की स्थिति में ले गई सहमति हो। हालांकि यह साबित करना कठिन है कि पीड़िता ने सहमति दी थी या तो नहीं। इस तथ्य के मुख्यतः आधार होने के कारण, परंतु अब बलात्कार नियमों से संशोधन के पश्चात अब अपने आप को बेगुनाह साबित करने का जिम्मा पीड़िता को नहीं बल्कि बलात्कारी को साबित करना होगा कि वह निर्दोष है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका बलात्कार। अब दूसरा देखते हैं अपहरण व विभिन्न कारणों से भगाना, जो कि आपका धारा आईपीसी धारा जो दंड संहिता के, भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी की धारा बोला जाता है दोस्तों, ठीक ना, इसके अंतर्गत जो धारा है 363 से 373 की तरह 373 तक, जिसमें आपका सबसे पहला आप लोग लिखिए कि धारा 363, ठीक दोस्तों, धारा 363, जिसमें धारा 363 में आपका है, भारत में कोई भी व्यक्ति यदि कानूनी संरक्षण के कब्जे से किसी का अपहरण करता है
तो उसे 7 साल की कैद व जुर्माना भी लग सकता है दोस्तों। कितने साल की? 7 साल की कैद और उसके साथ साथ जुर्माना भी लग सकता है। सर्वोत्तम न्यायालय ने एक ऐसे पिता को देसी करार देने से मना कर दिया जिसमें उसे अपनी नाबालिग बेटी जो कि माता पिता के तनावपूर्ण रिश्ते के कारण अपने नाना के साथ रह रही थी, वे अपहरण के दोषी ठहराया गया। उसे अपहरण की दोषी ठहराया गया था। उसे इस आधार पर नियुक्त किया गया कि वह बच्चों का प्राकृतिक संरक्षण है, ठीक। तो ये हो गया आपका धारा 363। अब आप लोग लिखिए धारा 364। ठीक, धारा 364 ये कहती है, अपहरण यदि हत्या के उद्देश्य से किया गया है तो आजीवन कठोर कारावास व जुर्माना का प्रावधान है। किसमें? धारा 364 में। अब तीसरा है 365 में यह कहता है, अपहरण या गुप्त या गलत तरीके से व्यक्ति को परिसीमित करता, ऐसे स्थिति में किसी भी कृत की सजा या तो रोक अवधि के लिए कैद जो कि 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, या तो फिर उसे जुर्माना भी लग सकता है। ठीक, अब चौथा धारा 366। धारा 366 ये कहती है, अपहरण या महिला को जब्त विवाह के लिए बहकाना या उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी से विवाह करने के लिए बहकाना या जबरदस्ती संभोग हो सकता है, उसके एक निश्चित समय के लिए कैद की सजा दी जा सकती है, 10 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों इसमें धारा 366 में 10 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है या तो जुर्माना भी लग सकता है। अब धारा 367 में 367 ये कहती है कि किसी व्यक्ति को गुलामी के लिए अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए अपहरण करता है, वह एक निश्चित निर्धारित समय के लिए जो कि 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है, इसमें भी दोस्तों या तो इसमें भी जुर्माना लग सकता है। अब आपका है छठवां धारा 369, APC की धारा 369, जिसमें व्यक्ति यदि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उसके पिता के चल संपत्ति को बेईमानी से छोड़ने की कोशिश में अपहरण करता है तो उसे भी 7 साल की जुर्माना या तो कैद हो सकता है दोस्तों। ठीक, अब धारा 370 में कोई भी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को गुलामी की नियत से आयात निर्यात खरीद करता है या तो निपटार करता है तो वह 7 साल की कैद या तो उसे सजा या तो जुर्माना लग सकता है। ठीक, अब धारा 371 आदतन गुलामों की रसीद फरोख्त के बारे में बात करता है, जो कि व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 10 साल की कैद हो सकती है दोस्तों। धारा 372 वेश्यावृत्ति के लिए एक नाबालिग को बेचने के संबंध में है, जिसमें 10 वर्ष की कैद या तो जुर्माना उसे भी हो सकता है दोस्तों। धारा 373 वेश्या के लिए नाबालिग को खरीदने के विषय में जो व्यक्ति ऐसा किसी भी कृत में सम्मिलित पाया जाता है तो उसे 10 वर्ष की कैद या तो जुर्माना लग सकता है दोस्तों।
तो मैंने आपका दहेज, मैंने आपका अपहरण व विभिन्न कारणों से भगाना, जिसमें धारा 363 से धारा 373 तक आप लोगों को बता दिया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दहेज हत्या, दहेज मृत्यु व उसके प्रयास में, जो कि धारा 302 से 304 बी तक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक, भारत में दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 के अनुसार कितना दहेज प्रतिबंध कितने हैं, 1961 के अनुसार, 1961 के अनुसार विवाह एक पक्ष से दूसरे पक्ष या एक पक्ष से के माता पिता के द्वारा अन्य पक्ष के किसी भी व्यक्ति को विवाह से पहले या बाद में दिए गए संपत्ति या मूल्यांकन को दहेज कहते हैं। ठीक, मूल्यांकन वस्तु को दहेज किसे कहते हैं। भारत में दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 के अनुसार विवाह के एक पक्ष से दूसरे पक्ष को या एक पक्ष के माता पिता द्वारा अन्य पक्ष किसी भी व्यक्ति को विवाह से पहले या बाद में दिए गए संपत्ति या मूल्यांकन वस्तु को दहेज कहते हैं दोस्तों। अधिनियम यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो दहेज देता है या लेता है उसे 6 माह की सजा या तो जुर्माना, दोनों की सजा मिल सकती है। वधु के माता पिता या संरक्षण से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करना भी अपराध है दोस्तों, और इसके लिए सजा की प्रावधान है। हालांकि नगद रूप से आहार, गहने, कपड़े व अन्य वस्तुएं इस अधिनियम से बाहर है दोस्तों। कौन से अधिनियम से, 1961 दहेज प्रतिबंध अधिनियम से बाहर है। ठीक, तो ये हो गया आपका हत्या मृत्यु और उसके प्रयास में दोस्तों। अब हम देखते हैं छेड़छाड़, ठीक, जो कि धारा 354 के अंतर्गत है। मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न धारा 397 जो है उसे मानसिक व शारीरिक यातनाएं जो है धारा 397 ए है, इसे मैं जब घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 पढ़ाऊंगा दोस्तों, उस समय इसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। इसे अभी हम लोग छोड़ देते हैं। अब आते हैं छेड़छाड़ में, जो कि धारा 354 में है। इसमें ये न्यायालय ये कहती है कि एक महिला की सलीनता इसके शरीर से है, एक वयस्क महिला की सलीनता का पूरा भार उसके शरीर पर होता है। महिलाएं अपने जन्म से सलीनता को ग्रहण करती है जो उसके शरीर की विशेषता है। धारा 354 के तहत सलीनता भंग करने के लिए स्लास को भंग करने के लिए 2 साल की कैद या तो जुर्माना लग सकता है दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं यौन शोषण जो कि धारा 509 के अंतर्गत है, जिसमें उम्र, वर्ग और वस्त्र के परे महिलाओं को सड़क पर, बस, ट्रेन यात्रा के दौरान, कार्यस्थल पर परेशान किया जाता है। मौखिक, विचारात्मक, यौन दुर्भाग दुर्व्यवहार, शारीरिक स्पर्श या अचानक से टकरा जाना होता है। इसके लिए 3 धाराएं बनी हैं दोस्तों। ठीक, तो इसके लिए अब देखते हैं दोस्तों हम लड़कियों की तस्करी, जो कि धारा 366 बी में है, लड़कियों की तस्करी। ठीक, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 366 बी में किसी अन्य देश से लाई गई लड़कियों जो कि 21 वर्ष से कम आयु की हो व उन्हें जबरन संभोग के लिए लाया गया है तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष की कठोर सजा, कठोर कारावास व जुर्माना का प्रावधान है दोस्तों। मैंने शुरू में जो बताया था दोस्तों, पहला जो कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध, और दूसरा मैंने बताया था विशेष नियमों के अंतर्गत आने वाले अपराध। ठीक, अब दूसरा हम देखते हैं, ये तो आपका हो गया
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध महिलाओं के लिए हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों विशेष नियमों के अंतर्गत। आने वाला अपराध ठीक, इसमें हम हालांकि सभी नियम किसी एक वर्ग से संबंधित नहीं है परंतु महिलाओं से संबंधित नियमों के समय समय पर समीक्षा की जाती है कि वह समय के साथ उसमें परिवर्तन भी किए जाते हैं। कुछ नियमों में महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं वो जो कि हैं परिवार न्यायालय अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, अनैतिक तस्करी अधिनियम, दहेज प्रतिबंध अधिनियम ठीक दोस्तों, मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी अधिनियम, समान परिश्रमिक अधिनियम, सती प्रथा अधिनियम, फौजदारी कानूनी अधिनियम, घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण अधिनियम, ये सब हैं दोस्तों जिसे मैं अभी नोट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों ठीक। जैसा कि दोस्तों ये रहा विशेष नियमों के अंतर्गत आने वाले जो अपराध है उसके लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, अनैतिक तस्करी अधिनियम 1956, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961, मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी अधिनियम 1971, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976, फौजदारी कानून अधिनियम 1983, सती प्रथा अधिनियम 1987, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये सब है दोस्तों ठीक। इसमें से हम घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण या तो सुरक्षा अधिनियम 2005 हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों ठीक, इस क्लास में बताया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका महिला संरक्षण जो कि संविधान के द्वारा उसे कौन कौन सी अनुच्छेद प्राप्त है और कानून के द्वारा कौन कौन सी धाराएं उसे प्राप्त है ठीक है दोस्तों। तो आज हमने महिला संरक्षण जो कि क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में देखा दोस्तों। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए दोस्तों हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।